नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जी मेन की परीक्षा डेट को लेकर बात करेंगे। हाल ही में जी मेन को लेकर एक अपडेट आया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जी मेन अप्रैल परीक्षा की रजिस्टर डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब आप 12 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। NTA जी मेन अप्रैल परीक्षा 2020 के लिए 7 फरवरी से शुरू हुई रजिस्टर डेट आगे बढ़ा दी गई है। जो स्टूडेंट जनवरी जी मेन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वे इस परीक्षा में अपना जी मेन स्कोर सुधार सकते हैं। साल में 2 बार जी मेन होने से सब स्टूडेंट अपने जी मेन स्कोर सुधार सकते हैं। अब जी मेन अप्रैल परीक्षा 2020 के लिए 7 मार्च तक अप्लाई किया जाएगा। इसके साथ ही फॉर्म कलेक्शन डेट 13 और 16 मार्च तय की गई है। 5 अप्रैल को जी मेन की शुरू होने वाली परीक्षा की अगर बात करें तो ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जो 5 अप्रैल, 7 अप्रैल से 9 अप्रैल और 11 अप्रैल 2020 तक आयोजित की जाएंगी। NTA की जी मेन परीक्षा के जरिए 12वीं पास स्टूडेंट ITI और देश के प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेजों में एडमिशन आप ले सकते हैं। परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को BA, BTech, BA आर्किटेक्ट और BA प्लान प्रोग्राम में प्रवेश मिल सकता है। आगे बात करते हैं जी एडवांस। 17 मई को होगा जी एडवांस। अप्रैल में होने वाले इस एग्ज़ाम के बाद दोनों NTA स्कोर के आधार पर रैंक तय की जाएंगी। इसके बाद जी एडवांस का आयोजन 17 मई को होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरा पेपर होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए ली जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी जी मेन की परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।